मैं सवाल लिख रहा हूं, सवाल देखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट, सेंटर एट एक्स एक्सिस, सेंटर एक्स एक्सिस पे है, पासेस थ्रो पास करता है 2, 3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5। अगला सवाल, मैं सवाल फटाफट 2-3 लिख देता हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हु टचेज इंटरनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x + 10y -26 इक्वल टू 0 एट -1, 3। एक और लिख रहा है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड टचेज बोथ एक्सेस। देखो कल जो मैं एक बार बता रहा था वो सवाल आ गया, बोथ एक्सेस। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर इज 6, 5 एंड टचेज गिवेन सर्कल। अगला सवाल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो पासेस थ्रो एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल्स। कुल मिलाकर 3 सर्कल दे रखा है, x² + y² = 4, x² + y² + 2x - 2y - 2 = 0 एंड x² + y² - 6x - 8y + 10 = 0। कुल मिलाकर इतने सर्कल दे रखे हैं और इनके डायमीटर के एंड पॉइंट से पास हो जाए तो हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है, ठीक है। तो जरा सारा सवाल नोट कर लो और फिर एक एक सवाल का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। पहले आप थोड़ा सा इस सवाल को बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहला सवाल क्या है, बस आंसर तो मैच करवा लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग एक्स एक्सिस, यानी सेंटर आपका एक्स एक्सिस पे है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सेंटर कहीं मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे है, h, 0 मैंने सेंटर मान लिया, और कह रहा है कि ये पास कर रहा है 2, 3 से, जिसका रेडियस 5 है, तो ऐसे कुछ हो गया, ये 2, 3 से पास कर रहा है और इसका रेडियस आपका दे रखा है कितना, 5, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपका 5 के बराबर हो जाएगा, यही तो होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट से लेके जाएंगे 3 - 0 का होल स्क्वायर = 5, तो ये हो जाएगा h - 2 का होल स्क्वायर = 25 - 9, 4 हो जाएगा ये, 16 हो जाएगा ये, तो h - 2 = +-4 हो जाएगा ये, तो h = 6 आएगा और x = -2 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, तो यानी सेंटर आ गया आपके पास, सेंटर हो गया 6, 0 एंड -2, 0, रेडियस है ही, तो ये निकल गया आपका। सेकंड सवाल को बात करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो टचेज इंटरनली सर्कल, इस सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, तो एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इस सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। ये सर्कल x² + y² + आपका 10y - 26 = 0, यानी ये वाला जो कोई सर्कल होगा कहीं तो होगा, इसका सेंटर क्या है, क्या सेंटर है बोलो, इसका सेंटर क्या है, इसका -7, -5 होगा। अच्छा ये हो गया, इसका रेडियस कितना है, रूट में हाँ रूट में कुछ आएगा, कितना आएगा,
140 आ रहा है, ये 49 प्लस 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 26 हो गया। ज्यादा बात समझ में ना, 49 प्लस 26 हो गया, एक क्या 89 के आसपास जा रहा है क्या, कितना हो रहा है 89 ही हो रहा है, पक्का है ना 89 मतलब 6, 5, 11, 9 और 10 100 हो रहा है क्या पूरा, हाँ 100 हो रहा है ना, ये तो पूरा 100 हो गया, 100 हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो ये वाली लंबाई हो गई 10। अब ये कह रहा है कि एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इस वाले सर्कल को इंटरनली टच करता हो और भी किस पॉइंट पे टच करता हो, -1, तो ये आपका इस सर्कल को इंटरनली टच करता हो और ये -1, 3 पे टच करता हो, तो ये कुछ नहीं जरूरी थोड़ी है, ऐसे भी तो हो सकता है, हाँ और दूर जाना पड़ेगा अगर यहीं पे टच करना है। अच्छा पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट इस सर्कल पे लाइक कर रहा है कि नहीं, लाइक कर रहा है, क्योंकि ये चेक करेंगे तभी काम बन पाएगा, ये हाँ नहीं तो सिमेट्री बिगड़ जाएगी, सही बात है। +10y - 26=0 1, 3 चेक करके देख लो, 1 और 9 = 10, 10 - 10 - 14 - 4 फिर ये आपका 30 +26 - 26 सेटिस्फाई कर गया, तो ये इसी पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो आपका जो सर्कल हो जाएगा वो इसी पे एकदम बिल्कुल इसके सेंटर से पास करेगा, अरे बात समझ में, तो सेंटर से पास करेगा, तो ये हो गया आपका रेडियस कितना हो गया, आर इक्वल टू कितना हो गया 5, तो क्या हो गया, अच्छा इसका सेंटर क्या हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब -7 - -1 इसका आधा -4 - -5 - -5 + 3 तो -1 आ जाएगा ना, ये -5 + 3 - -1 आ जाएगा, सेंटर आगे रेडियस आगे आंसर निकल जाएगा, बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद अगले वाले को बात करते हैं, आपका ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और जिसका रेडियस 2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ऐसा कुछ सर्कल बन जाएगा ये, और इस सर्कल का यहां से लेके यहां तक आपका ये रेडियस 2 है, ये रेडियस 2 है, तो सेंटर भी क्या आ गया 2, 2, इसका इक्वेशन क्या हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर, पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये -4x - 4y + 4 = 0, आई बात समझ में, ये तो ये सारा सर्कल हो गया, ये गिवन है, आप कह रहे हैं कि कैसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर = 6, 5, एक ऐसे सर्कल का जिसका सेंटर 6, 5 है और इस वाले गिवन सर्कल को टचेज गिवन सर्कल एक्सटर्नली, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए था एक्सटर्नली, ठीक है ना, एक्सटर्नल, और ऐसा नहीं भी लिखता तो भी आपको साथ समझ में आ रहा है कि सेंटर यहाँ है और एक यहाँ है, तो अंदर से तो टच कर नहीं सकता, टच करेगा तो बाहर से ही करेगा, नहीं भी लिखा गया तो भी चलेगा, तो ऐसे कोई एक सर्कल हुआ ऐसे कुछ जाके ऐसे ये टच करेगा, अरे बात समझ में। अब यहां से अगर हम देखें तो इन दोनों सेंटर के बीच की अगर इसका रेडियस मिल जाए तो काम बन जाए, काम बन जाए कि नहीं, अच्छा तो इन दोनों के रेडियस के बीच, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यहाँ वाली रेडियस 2 है, क्या वो 2 + r की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीज सेंटर्स क्या है, r + 2 के बराबर हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं अंडर रूट में 6 - 2 का स्क्वायर + 5 - 2 का स्क्वायर = r + 2, बोलो इसके बराबर हो जाएगा, ये शायद आपका 6 में से 2 निकलेगा, 4 और 5 में से निकलेगा 3, ये 5 आएगा क्या ओवरऑल, ठीक है, तो ये हो गया r + 2 यानी r = 3, यानी आपका आंसर आ गया, ये आपका पास है सेंटर x - 6 का स्क्वायर + y - 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर, ये वाला सवाल हो गया चौथे वाला, इसको नोट करोगे, फटाफट नोट करो, तब तक मैं इधर साफ कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे क्या आपने को कर लेना है, radius = 5 का लेना, दूसरे सवाल में अगर रेडियस 5 नहीं रहेगा तो सिमेट्री वाली बात किसी भी चीज तरह से ठीक नहीं है। अच्छा
अच्छा लास्ट सवाल ये है आपका, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज पासेस थ्रू द इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है अपने पास, ये कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने कहा इसका डायमीटर ये है और इससे ये वाला, और दूसरा आपका ये सर्कल मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने कहा हो सकता है एक दूसरे को कट भी करे, हो सकता है कट ना करे, तो मैंने कहा कि एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स, नहीं प्लस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, और एक सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपका दे रखा है सवाल। अगर हम कहें कि इन तीनों के डायमीटर से पास होने सर्कल का इक्वेशन क्या बताओ, तो मैंने कहा कि एक तीनों एक सर्कल ऐसे मैंने खींच लिया। ठीक है, एक सर्कल मैंने खींच लिया यहाँ पे, कुछ ऐसा एक सर्कल खींच लिया। डायमीटर से पास कराना जरूरी है तो ऐसे कुछ एक सर्कल मैंने खींच लिया। ठीक है, तो मैं इसका एक फिगर ठीक से बना देता हूँ। कैसे फिगर बनाएंगे, पहले फिगर बनाना एक कठिन काम है, तो एक काम करते हैं पहले ही हम बड़ा सर्कल खींच लेते हैं, फिर उस पर तीन छोटे छोटे सर्कल बना देंगे। पहले एक हमने बड़ा सर्कल खींच लिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि एक सर्कल यहां कहीं रहा होगा, तो ये डायमीटर हो गया। ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हो गया। ठीक है, एक सर्कल कहीं यहां रहा होगा, इसका डायमीटर ये हो गया। आई बात समझ में, इसको मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये हो गया। ठीक है, एक आपका डायमीटर मैंने कहा कि एक डायमीटर यहां कहीं रहा होगा, एक सर्कल कोई यहां रहा होगा, एक सर्कल कहीं यहां रहा होगा, इसका ये डायमीटर हो गया। सही है कि नहीं, अब तीनों डायमीटर से पास होने लगा कि नहीं बड़ा सर्कल। अब ये तीनों के जब ऐसे नहीं बने तो ऐसे हमने बना लिया, इन तीनों के डायमीटर से पास होने लगा सर्कल ये, तो ये इसका और इसका इक्वेशन मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, यही है। बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा बताओ इसका सेंटर क्या है बेटा, इसका सेंटर क्या है, जीरो कामा जीरो, इसका सेंटर क्या है, माइनस वन कामा वन, माइनस वन कामा वन, इसका सेंटर क्या है, थ्री कामा फोर। आई बात समझ में, इसका रेडियस क्या है, आर इक्वल टू अंडर रूट में वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू, सही है, आर इक्वल टू टू आया क्या, ये वैल्यू इसकी टू आ गई, रेडियस टू है कि नहीं, इसका रेडियस बताओ कितना है, टू। आगे बात समझ में, और इसकी रेडियस टू, इसकी रेडियस टू, और इसकी रेडियस कितना है, तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर पच्चीस माइनस दस अंडर रूट पंद्रह है क्या, रहेगा समझ में कि नहीं, किससे निकाल रहे हैं, वही अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर माइनस टेन। अब इतनी बात आ गई, मैंने मान लिया थोड़े कि इसका सेंटर जो है ना एच कामा के है, आगे बात समझ में, और इसका सेंटर ये वाली चीज हो गई, और यहां से ये इसका मैंने कहा कि ये रेडियस आर है। जरा बताओ, यहां से भी मैंने इसको ज्वाइन किया, इसको मैंने यहां से ज्वाइन किया, दिख रहा है, फिर मैंने ऐसे ही इसको यहां पे ज्वाइन किया और इसको यहां पे ज्वाइन किया। अब जरा बताना, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। अब जरा देखो, ये टू डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टू है, तो इनके सेंटर से और यहां से बीच की डिस्टेंस क्या वो आर के बराबर हो जाएगी क्या, नहीं आर के बराबर नहीं होगी। यहां पर हम अप्लाई करेंगे, यहां 90 डिग्री बनाएगा, कॉर्ड है ना, इसके बड़े वाले सेंटर के लिए कॉर्ड कहलाएगा, तो इसके मिड पॉइंट जाकर जुड़ेगा, हाँ ये आपका पाइथागोरस लगेगा, यहां भी 90 डिग्री बनेगा, यहां भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, पाइथागोरस से पहले इस वाले में पाइथागोरस लगाएंगे, तो इनके इनके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या आ गया यहाँ पे, पहला एक इक्वेशन आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस प्लस फोर, बोलो सही है, अरे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर सेकेंड वाला, यहां पे भी आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में एच अंडर रूट में, नहीं सॉरी, ये अंडर रूट को ले रहा हूं मैं, आर स्क्वायर कर देता स्क्वायर हो गया ना, हाँ अच्छा ये स्क्वायर, यहां पे भी ये क्या हो जाएगा आपका एच माइनस एच प्लस वन का स्क्वायर प्लस के माइनस वन का स्क्वायर, के माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर, सही है। अच्छा यहाँ पे तीसरे वाला आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ये एच माइनस थ्री का होल स्क्वायर के माइनस फोर का होल स्क्वायर, एच माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब पंद्रह,
15। आ रही बात समझ में? क्या इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करेंगे तो एच और के में दो इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे देखो मैं एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ फटाफट। एक तीन वेरिएबल मतलब अपने पास पहले तो एच और के निकल के आ जाएगा। मतलब मैंने लिखा कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू फोर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू दूसरा वाला इसके बराबर कर दिया एच प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के प्लस वन के माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर। ये चार से चार पहले कटा, एच स्क्वायर कटा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कटा, इधर जीरो हो गया, इधर प्लस टू एच हो गया प्लस वन हो गया, प्लस टू के माइनस टू के हो गया प्लस वन हो गया। सही है, पूरे में से टू कट गया तो क्या बच गया, एच माइनस के प्लस वन इक्वल टू जीरो। बोलो बच गया, एक क्वेश्चन आ गई। फिर पहला और तीसरा को बराबर मैंने कर दिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू एच माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस के माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस फिफ्टीन। क्या के माइनस कुछ तो गड़बड़ लिखा हूं मैं, थ्री कामा फोर, यहां फोर है ना, ये थ्री कामा फोर, के माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू फिफ्टीन। मैंने फिर से यहां से आपका एच स्क्वायर कटा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कटा, यहां पे बच गया आपका माइनस, नहीं माइनस सिक्स सिक्स बच गया, फिर यहां पे माइनस एट के बच गया, फिर प्लस नौ प्लस पच्चीस, फिर चालीस, चालीस में से चार निकलेगा छत्तीस निकलेगा ना, इधर जाके प्लस थर्टी सिक्स। इसको मैंने लिख सकता हूं मैं टू थ्री एच प्लस फोर के इज इक्वल टू थर्टी सिक्स का आधा कितना 18। क्या दो इक्वेशन एच कामा के में मिल गई? सॉल्व करके एच कामा के मिल जाएगा और एच कामा के मिलने से वहां से आर मिल गया। आ रही बात समझ में? क्या पूरे बड़ा वाला सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा? सवाल ठीक है एकदम, ठीक है, एडवांस लेवल का, मेंस इतना सोचेगा ही नहीं, ठीक है। तो सवाल आपके सामने ऐसे ही रहेगा कि पहले फिगर ही पहले नहीं बनेगा, फिगर बना तो आपके सामने ऐसे निकल के आएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म मतलब अभी सर्कल का हमने बेसिक फॉर्म क्या क्या पढ़ा हुआ है, एक सेंट्रल फॉर्म पढ़ा हुआ है और एक जनरल फॉर्म पढ़ा हुआ है। अच्छा, डायमेट्रिक फॉर्म जाने से पहले एक छोटा सवाल फिर देता हूं कि प्रूव दैट या चेक, ये बस ऐसे सवाल है कि कभी आ जाए तो फंसे ना कभी, इसलिए चेक पॉइंट्स थ्री कामा फोर माइनस थ्री कामा माइनस फोर जीरो कामा फाइव माइनस जीरो कामा माइनस फाइव लाई ऑन सेम सर्कल, लाइज ऑन सेम सर्कल। तो ये सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं कि नहीं, इसको आपको चेक करना है। तो पहले थोड़ा सुन लो आइडिया क्या होगा, या कोई बताना चाहे तो आइडिया बता सकते हो कि क्या होगा। चार पॉइंट दे रखा कि एक सर्कल पे लाई करेंगे कि नहीं, कैसे चेक किया जाए। नहीं, ऐसा तो बोला नहीं है उसने, ये कह रहा है कि एक सर्कल है इस पे चार पॉइंट लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये पता करना है। कौन सा साइक्लिक वाला कॉन्सेप्ट? नहीं, कौन सा साइक्लिक वाला, चार पॉइंट के लिए मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, लाइन के लिए बताया था मैंने। सर इंटरसेक्शन पर सर जो इंटरसेक्शन पॉइंट से सर दो पॉइंट दो लाइन है दोनों पॉइंट लेके तो ट्राई कर रहे हैं किसी सर्कल के ना, किससे सर्कल के लिए, मैंने इसमें सर्कल कोई भी करता है लेकिन एक ही सर्कल पे लाना चाहिए। सुनो, आप सुनो, ये तीन पॉइंट ले लिया हमने, तीन पॉइंट कोई भी उठा लिया आसान वाला, जैसे मान लो जीरो को कामा फाइव उठा लिया, जीरो कामा माइनस फाइव उठा लिया और एक कोई थ्री कामा फोर उठा लिया, इन तीनों से पास होने सर्कल का इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिख दिया। बस इसीलिए बताया हूं ताकि कभी फंसे ना, टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, इन तीनों को पास करा देंगे तो एफ जी एच एफ डी एफ जी सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, निकल जाएगा। मतलब अगर मैं तीन कामा चार को पास कराऊं तो ये हो गया पच्चीस, ये हो गया सिक्स जी, ये हो गया आपका 8a प्लस c इक्वल टू जीरो, हो गया ऐसा। फिर जीरो कामा फाइव को पास कराएंगे तो ये हो गया 25 और प्लस ये तो जीरो हो गया और ये हो गया आपका कितना, ये आपका हो गया 10f प्लस c इक्वल टू जीरो। सही है, जीरो कामा माइनस फाइव को पास कराया तो फिर से आपका हो गया 25 प्लस 25 माइनस 10f प्लस c इक्वल टू जीरो। बोलो, हो गया, दोनों को मैंने घटा दिया, घटा दिया, घटा दिया तो आपका ये या जोड़ दिया, जोड़ दिया तो ये हो गया 50 और ये कट गया, ये प्लस 2c इक्वल टू हो गया जीरो, c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 25, c वैल्यू आ गई तो f आ गई, f और c आ गई तो g आ गया, और g आ गया तो क्या सर्कल का इक्वेशन आ गया। इसको तो देन, अगर सर्कल का इक्वेशन आ गया देन चेक कर लो कि चेक फोर्थ पॉइंट
-3, -4 सेटिस्फाई आर नॉट, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई आर नॉट इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई बात समझ में? चौथे वाले को ये बोर्ड में सवाल से पूछता है कि मतलब ये चार दे देगा, बोलेगा कि चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेंगे नहीं, ये बताओ। इलेवेंथ में है ना, तो आपका ये यानी पहले तीन किसी भी तीन को लेकर सर्कल का इक्वेशन लिख लिए और चौथे वाले को उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करने वाले को सेटिस्फाई कर दिया, तो वो आपका चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे अदरवाइज नहीं होंगे, बात खत्म, सिंपल सी कहानी है। आगे बढ़ते हैं, तीन के लिए सबसे बढ़िया है, जहां भी तीन पॉइंट दिखे कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है फटाफट जनरल इक्वेशन लिख लिया, 2gx 2fy + c तुरंत लिख लिया। अब आगे आते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक अगर मैंने कहा यहां पे कि इफ x1, y1 and x2, y2 आर इन पॉइंट ऑफ डायामीटर देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख लेंगे x-x1, x-x2 + y-y1y-y2 = 0। ठीक है, तो जरा देखो यहां पे कैसे, यहां पे ये कह रहा है कि एक आपने पास डायमीटर है, ये आपका x1, y1 है और ये अपने पास x2, y2 है। अगर ये डायमीटर होता है तो कोई एक सर्कल की अगर मैं बात करूं, यहां से देखो, तो अगर ये डायमीटर है तो सर्कल डायमीटर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कितने का एंगल सबटेंड करता है, तो हम ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए, PH कामा K का लोकस चाहिए जो यहाँ पे हमेशा क्या बनाता हो, 90 डिग्री, कहीं का भी ये पॉइंट हो किसी भी ऐसे ऐसे मूव करेगा कि ये कितने का कितना एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री। तो अगर हम कहें कि ये वाला अगर P है, अगर ये A है, अगर P है, तो स्लोप ऑफ AP into स्लोप ऑफ BP दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जाएगा इसका स्लोप बताओ k-y1/h-x1 के बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे k-y1/h-x1 × दूसरे वाले का k-y2/h-x2 दोनों का प्रोडक्ट कितने किसके बराबर, -1 के बराबर। ये उधर चला गया तो k-y1/h-x1 + h × h-x2। क्या यहाँ पे h और k को x और y लिख दिया और इसको पूरा कर इधर लेके आया, तो क्या x-x1, x-x2 + y-y1 और y-y2 बोलो यही बना क्या, ये आ गया इक्वेशन। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ना, अगर थोड़ा और इसको ध्यान से देखा जाए तो ये एक है, ये वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, हैविंग रूट्स कितना है उसके, हैविंग रूट्स क्या है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जरा याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था कि अगर आपका ax² + bx + c = 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं ax - α और x - β लिख सकते हैं, क्या याद है कैसे फॉर्म में, ये जीरो के फॉर्म में, यानी इसको अगर एक्सप्रेशन होता तो बिल्कुल, तो ये इसके रूट्स कितना हो जाएंगे x1 and x2। और यहाँ पे ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y हैविंग रूट्स कितने हैं इसके, रूट्स y1 and y2। जैसे देखो जब भी सवाल अगर दिया रहेगा और ये बोलेगा कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके अब्सिसा और ऑर्डिनेट उन दोनों के रूट्स है तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, उस केस में सीधे उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जोड़ दो, कुछ नहीं सोचना है। जैसे मान लो ये बोल रखा है सवाल में, जैसे मान देता हूं ये सवाल दे रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इंड ऑफ डायमीटर
क्वारिनेट ऑफ इंड ऑफ क्वारिनेट ऑफ इंड ऑफ सीसा ऑफ सीसा एंड ऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर आर रूट्स ऑफ इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0 ठीक है ये y स्क्वायर सॉरी ये y स्क्वायर तो ये आपका रिस्पेक्टिवली तो आपके ये समय दे रखा है कि भाई जो भी आपका डायमीटर है उसके अवशीषा इसके रूट्स है और ऑर्डिनेट इसके रूट्स है और आपको उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिस जो वो दोनों अवशीषा और ऑर्डिनेट मिलके उसका डायमीटर बना रहे हैं बस दोनों को क्या करो सीधे सीधे जोड़ दो ये रूट निकाल के तब हम इसमें लगाने के बजाय डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे इनको आंसर डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0 बात समझ में आई नोट करना है कि मैं आगे बढ़ूं नोट करना ठीक है तो ये डायमेट्रिक फॉर्म का सबसे ज्यादा यूज कब करते हैं समस्या ये भी है ना जानना ये भी हमें जरूरी है कि इस डायमेट्रिक फॉर्म का यूज कब करते हैं जैसे कि सवाल आएगा तो कैसे पता चलेगा कि हमें इस डायमेट्रिक फॉर्म का यूज करना है तो देखो आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसके कॉर्ड की लंबाई सबसे मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम कॉर्ड की लंबाई होने के लिए क्या कॉर्ड मैक्सिमम होने के लिए वो डायमीटर हो जाएगा क्या ऐसा एक सर्कल दे दे कि जिसके बोले कि कॉर्ड की लंबाई मैक्सिमम है यानी कॉर्ड की लंबाई मैक्सिमम का मतलब वो कॉर्ड क्या बन जाएगी डायमीटर या ऐसा बोल दे कि ऐसा सर्कल चाहिए जिसका एरिया मिनिमम हो तो एरिया मिनिमम के लिए बताओ क्या ये वाली लंबाई क्या ये जैसे जैसे बढ़ेगा उसके अगर ये वाली अगर ये फिक्स डिस्टेंस हो ठीक है ना ऐसे हमें ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए या ऐसे सर्कल चाहिए जो एक दो पॉइंट से पास हो और उसका एरिया मिनिमम हो तो मिनिमम एरिया होने के लिए क्या वो आपके से मान लो कि ये मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे और हमने कहा कि ऐसे कैसा सर्कल चाहिए जिसका इन दोनों पॉइंट से पास करे उसका एरिया मिनिमम हो तो बताओ क्या वो ये वाला डायमीटर अगर डायमीटर के अलावा कुछ और बनाएंगे तो क्या सर्कल बड़ा होता जाएगा क्या ये बोलो बड़ा होगा कि नहीं होगा ठीक है अब यह कह दे कि सरकमफेरेंस दो पॉइंट से पास और कहे कि सरकमफेरेंस मिनिमम हो उस केस में भी ये डायमीटर ही बन जाएगा क्या सरकमफेरेंस एरिया ये दोनों मिनिमम बोले या कॉर्ड की लंबाई मैक्सिमम बोले तीनों ही केस में क्या बन जाता है वो आपका डायमेट्रिक फॉर्म यूज होता है तो इसी बात को मैं लिख लेता हूं कि व्हेन टू यूज यूज कब करेंगे भाई हाँ बिल्कुल पहली बात इसमें कि इफ क्वेश्चन है लाइन लाइक अगर उसके पास ऐसी लाइंस होंगी पहली वाली कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस टू पॉइंट हैविंग मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड ठीक है दूसरा इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस टू पॉइंट एंड हैविंग मिनिमम एरिया या सरकमफेरेंस मिनिमम एरिया या सरकमफेरेंस अगर ऐसा कुछ भी बोलता है तो उस केस में हम आपका यूज करेंगे डायमेट्रिक फॉर्म तब हम इसको डायमेट्रिक फॉर्म में यूज करेंगे जैसे मान लो सवाल दे दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग पासेस 2, 3 एंड 4, -2 हैविंग मिनिमम सर्कमफेरेंस सब एक ही में ऐसा लिखा हो सर्कमफेरेंस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है या मिनिमम एरिया या मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड
ये सब लिखा होगा तो हम फटाफट क्या कर लेंगे, एक ही बार में हम बना लेंगे कि क्वेश्चन आप सर्कल हो जाएगा। ये तीनों ही केस में है, यानी दो पॉइंट से पास होने के लिए ये 4, -2 और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कितना 2, -3, तो ये हो जाएगा इनका इक्वेशन हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-2 x-4 y-2 प्लस y+2 y-3 = 0। हाँ एकदम आसानी से निकल के आ जाएगा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सर्कल। हाँ नहीं मतलब अब इसी में ये चलते रहेंगे, जब डिफरेंट पोजीशन ऑफ सर्कल लगभग, अब सर्कल का लगभग बेसिक हम लोग खत्म कर रहे हैं, बेसिक खत्म कर लेंगे, उसके बाद सब सर्कल के अच्छे अच्छे सवाल से हमारे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पहला, किस इक्वेशन ऑफ सर्कल या सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट किसी एक पॉइंट पे टच करता हो, मान लो मैंने कहा h,0 पे एक्स एक्सिस को टच करता है, कितने सारे सर्कल पॉसिबल हैं ये देख लेते हैं, ठीक है ना। टचेज एट डिस्टेंस, ऐसे लिखेगा टचेज एट डिस्टेंस, डिस्टेंस h, ठीक है ना, h डिस्टेंस से टच करता हो तो आपका देखो यहां पे, देखो यहां से h डिस्टेंस पे यहां पे टच कर रहा है तो सर्कल क्या क्या हो सकता है, देखो एक सर्कल ये हो सकता है, आई बात समझ में, क्या एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है क्या, और डिस्टेंस बोला है तो उधर h तो इधर भी h हो सकता है क्या, बोलो हो सकता है कि नहीं, डिस्टेंस बोला है ये नहीं बोला है कि h,0 नहीं बोला है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस, तो अगर यहां भी है तो यहां भी एक सर्कल बन सकता है और एक सर्कल यहां बन सकता है। अच्छा इन सब सर्कल में खासियत यह है कि इसके सेंटर के लिए हमको पता है कि अगर रेडियस r है तो h,r हमको चलना पड़ेगा, या यहां पे हम लिखेंगे -h,r, बोलो लिखेंगे, यहां के लिए क्या लिखेंगे इसका सेंटर -h,r, या यहां के लिए क्या लिखेंगे h,r, यहां क्या लिखेंगे h,-r, बात समझ में आ रही है, मतलब आपकी डिस्टेंस h, ये एडवांस में मतलब ऐसी इसी बेसिस पे एडवांस 2017 में सवाल पूछा हुआ है कि एक सर्कल है आपका इतने डिस्टेंस पे, और भी उसमें चीजें शामिल है लेकिन आपका इसमें पूछा है कि सर्कल है जो इतने h को 7,0 पे टच करता हो और बाकी और भी चीजें हैं उसमें, एक लाइन है उसको कट कर रही हो, सवाल कराऊंगा मैं तो एक लाइन है कट कर रही है वगैरह वगैरह सारी बातें उसने कर रखा है, तो ये हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा सर्कल का डिफरेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, दूसरा सर्कल टचेज वाई एक्सिस एट डिस्टेंस के, अब ये सेम चीज हो जाएगा क्या, अगर डिस्टेंस के पे टच करेगा वाई एक्सिस को तो ऐसे मान लो ये के डिस्टेंस हो गया तो एक इधर भी सर्कल बनेगा, एक इधर सर्कल बनेगा, ऐसे नीचे भी एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, सेंटर लिख लेंगे क्या इसका भी, कि यहां सेंटर के जाने के लिए यहां इसका रेडियस अगर r होगा तो ये r,k तक जाना पड़ेगा, इधर क्या -r,k पे जाना पड़ेगा, वैसे नीचे हो जाएगा क्या। तीसरा आपका ये x एक्सिस, हाँ हाँ रेडियस कैसे h होगा, ये यहां से यहां के बीच तक डिस्टेंस h है, हाँ ये यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगी ना, कि h डिस्टेंस पे टच करता है तो कहां से h डिस्टेंस होगी, ओरिजिन से h डिस्टेंस पे, और नहीं तो क्लियर फ्रॉम ओरिजिन, ये भी लिख सकते हैं कि ओरिजिन से h डिस्टेंस पे टच करता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ गया कि सर्कल टचेज बोथ एक्सिस, अगर दोनों एक्सिस को टच करते हो तो सर्कल तो क्या हो जाएंगे, उस केस में कितने सर्कल बनेंगे, तो एक सर्कल बनेगा, दो सर्कल बनेगा, तीन सर्कल बनेगा, चार सर्कल बनेगा, अगर रेडियस वही आपका आर हुआ तो सेंटर r,r - r,r, ये आपका -r,-r और यहां पे ये r,-r, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। छठे नंबर, चौथे नंबर पे सर्कल टचेज बोथ एक्सेस एंड आल्सो टचेज
एक्स इक्वल टू कोई एक पर्टिकुलर लाइन एक्स इक्वल टू ए को टच करता हो, तो उस केस में कितने सर्कल बनेंगे? देखो ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, दोनों सर्कल को दोनों एक्सिस को टच करने के लिए एक ये जरूरी है, और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और मैंने कहा एक एक्स इक्वल टू ए लाइन ये है, एक एक्स इक्वल टू, क्या एक्स इक्वल टू ए लाइन ऐसे खींचेंगे? अरे बात समझ में, तो इन दोनों एक्सिस को टच करने वाला सर्कल और इस लाइन को टच करने वाला सर्कल क्या ऐसा ही कुछ बनेगा क्या? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा ऐसा कुछ सर्कल बन जाएगा। अच्छा, इस सर्कल की खासियत यह है कि इसका डायमीटर कितना है? ए यूनिट है। तो ये डायमीटर ए यूनिट है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? तो इसका सेंटर भी मालूम चल गया क्या? मतलब ऐसे सर्कल आपके फटाफट आप निकल के आ गए ए बाई टू कामा माइनस ए बाई टू, बात समझ में आ रहा है? तो ये देखो, ये जब आपका ये अगर ये दे देगा कुछ भी एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू टू, तो हमें उसका सेंटर भी पता है और उसका रेडियस भी पता है, उसका इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? वैसे यहाँ पे अगर रेडियस वैल्यू दे दे तो चारों का इक्वेशन लिख लेंगे, बस सेंटर अलग अलग बदल बदल के चार इक्वेशन लिख लेंगे। वैसे यहाँ भी है ये वाली सारी बातें, बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, और मान लो पांचवें नंबर पर अगर मैं ले लूं सर्कल टचेज, सर्कल पासेस ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करे, टचेज एक्स एक्सिस, अगर ओरिजिन से पास करे और एक्स एक्सिस को टच करे तो कौन कौन सर्कल बनेगा? जरा देखो, क्या एक्स एक्सिस को टच करने के लिए, ओरिजिन से पास करने के लिए यही सर्कल बनना पड़ेगा क्या? Yes. क्या इसका सेंटर वाई एक्सिस पे हो जाएगा क्या? Yes. पक्की बात है? क्योंकि अगर मैं जैसे कहीं इधर उधर करूंगा तो वो फिर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा या ओरिजिन से पास नहीं होगा, ओरिजिन को कट करने लगेगा। अरे बात समझ में? जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की कि हमने कहा कि ऐसे 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 हो जाएगा, ये कट कर देगा, हमको टच कराना है, टच कराना है, इसका मतलब कि इसका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पे पड़ जाएगा, और वाई एक्सिस पे कहीं यहाँ पे सेंटर में कहूँ इसका रेडियस अगर आर है तो ये जीरो कामा आर सेंटर हो जाएगा, ये जीरो कामा माइनस आर सेंटर हो जाएगा। आई बात समझ में? या अगर मैं कहूं कि सिक्स नंबर पे कि सर्कल पासेस ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, अभी भी ओरिजिन से पास करे एंड टचेज वाई एक्सिस, तो उस केस में कि क्या कहां से वो कहां उसका सेंटर लाई कर जाएगा? देखो, इसको टच कर रहा है वाई एक्सिस को, तो सेंटर कहां लाई कर गया? ये एक्स एक्सिस पे लाई कर गया। आई बात समझ में? अपने आप, मतलब ये सिमेट्रिकली है तो सिमेट्रिकल सिमेट्री से अपने आप ये वाई एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर लाई कर गया, रेडियस आर है तो ये आर कामा जीरो या माइनस आर कामा जीरो, और मैक्सिमम पॉसिबल सर्कल आपके दो ही हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका, अच्छा सिर्फ ओरिजिन से पास होने वाला कितने सर्कल बना सकते हैं? सिर्फ इनफाइनाइट, कहीं से भी, सिर्फ ओरिजिन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये टोटल आपका टाइप ऑफ एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल हुआ, बाकी कल आप सवाल करेंगे।